रोरा ग्राम में सड़क के भूमि पूजन के अवसर पर इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में विराजमान हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री विवेक नारायण सेजवलकर जी, आप सबके लोकप्रिय नेता और इस क्षेत्र के सक्रिय और जुझारू विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के नर्मदा घाटी विकास और उद्यानगी राज्य मंत्री माननीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन दुर्गेश जी, जनपद के अध्यक्ष दिलराज जी, मंडल के अध्यक्ष केशव गुर्जर जी और जिला पंचायत के हमारे सभी सदस्य महानुभाव आलोक शर्मा जी, शिवराज यादव जी, केशव बघेल जी, जसवंत झाला जी, जितेंद्र रावत जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बैजनाथ गुरैया जी और इस मौके पर उपस्थित पार्टी के अन्य नेता पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और इस अवसर पर मौजूद रोरा, बस्तरी, अड़ूपुरा और आसपास क्षेत्र के हमारे सभी बुजुर्गवार और नौजवान भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज काफी दिन बाद मेरा रोरा में आना हुआ है। एक जमाना था जब रोरा में पार्टी के काम के लिए आते थे तो मुरार से ही फर्श लेके आते थे, मुरार से ही माइक लेके आते थे और यहाँ पर फर्श बिछा के बहुत देर तक अनाउंसमेंट करते रहते थे और बाद में अपनी पार्टी की बातें बता के जाते थे। लेकिन आज समय बदल गया है, इतनी बड़ी सभा है, इतना बड़ा टेंट है, कुर्सियां हैं, कुर्सियों के नीचे भी गलीचे बिछे हुए हैं, तो वक्त का बदलाव है। इसी को कहते हैं फर्श से अर्श तक की यात्रा। और मैं वो सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं में से हूं जिसने घर से निकलकर जमीन पर काम करते हुए केंद्र सरकार तक में अपने दायित्व के निर्वहन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह मेरी योग्यता के कारण नहीं है, यह हमारे मुरार के आसपास के गांव के लोग जिन्होंने उस कालखंड में जब मैं मुरार में काम करता था, ग्वालियर जिले में काम करता था, आप सब ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, तो आपकी तपस्या का ही परिणाम है कि मैं आज यहां बैठा हुआ। आज जब मैं रोड़ा आ रहा था तो मुझे पुराने कार्यकर्ताओं की याद आई, तो मैंने भारत सिंह जी से पूछा, फतेह सिंह तो चले गए, पुलंदर बाबा के क्या हाल चाल है? मुझे ध्यान है जब हम लोग छोटे थे तो तीर्थ कहो तो तीर्थ, बाजार कहो तो बाजार, बस स्टैंड कहो तो बस स्टैंड, इस पूरे क्षेत्र का एकमात्र स्थान था जहां सब लोग मिलते थे, उस स्थान का नाम बारादरी चौराहा है। और उस जमाने से
रोरा से संबंध है। फतेह सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े धाकड़ नेता हुआ करते थे, पूरा क्षेत्र उनको जानता था, यहां से लेके रणगामा तक फतेह सिंह रोरा के धाक हुआ करते थे। लेकिन आज वो हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन पुलंदर बाबा हम सबके बीच में है। सचमुच जब भारतीय जनसंघ शुरू हुआ तो कोई जनसंघ का दिया जलाए ऐसे मुट्ठी भर लोग हुआ करते थे, और उन मुट्ठी भर लोगों में एक नाम पुलंदर बाबा का भी है। चुनाव आता है तो कई बार निष्ठाएं बदल जाती हैं, कई बार मताधिकार देने के लिए मन बदल जाता है। किसी पार्टी में रहो लेकिन जब चुनाव आया तो मालूम ही नहीं पड़ती पार्टी कहां है। लेकिन पुलंदर बाबा उन कार्यकर्ताओं में से हैं जिन्होंने एक बार कमल थामा तो आज तक कमल उनके हाथ में थमा हुआ है। और इसलिए मैं अपनी तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी पुलंदर बाबा जैसे कार्यकर्ताओं का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। आज इस क्षेत्र की बहुत प्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है। वर्षों बरस से लोग सोचते थे कि अगर ये सड़क बन जाए तो बड़ी सुविधा मिल जाएगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अनेक बार हम लोग आते रहे और कहते रहे, लंबा समय व्यतीत हुआ, लेकिन जब यह सड़क मंजूर हुई 16 किलोमीटर 8 करोड़ रुपए की लागत से, तो भारत सिंह जी ने इस मौके का साक्षी करने के लिए मुझे यहां आमंत्रित किया, इसके लिए मैं भारत सिंह जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सड़क के भूमि पूजन का अवसर है और इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुझे अपने मुरार ग्रामीण क्षेत्र के तमाम सारे बुजुर्गवार और नौजवान भाइयों के दर्शन करने का भी ये सौभाग्य मेरे जीवन में उपलब्ध हो पा रहा है, इसके लिए भी मैं भारत सिंह जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर जनप्रतिनिधि का चुनाव अच्छा हो तो परिणाम भी अच्छा ही आता है। आप सब लोगों ने भारत सिंह जी को विधायक बनाया, विवेक सेजवलकर जी को सांसद बनाया, ये दोनों लोग मिलकर रात दिन यही सोचते रहते हैं कि क्षेत्र में विकास का काम कैसे हो। यहां बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए, मेरे से भी उनका संपर्क है। एक जमाना था जब मुरार से रोरा बस्तरी आना कितना कठिन हुआ करता था, और वास्तव में उसमें लगता था कि मुरार शहर है और रोरा गांव है। लेकिन आप सब ने अच्छे जनप्रतिनिधियों को आशीर्वाद दिया तो आज रोरा भी शहर जैसा ही लगता है। 2003 से पहले
गांव में सड़क नहीं थी, बिजली की तो लोग कल्पना भी नहीं करते थे। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिल जाए इसको गरीब आदमी सोच भी नहीं पाता था। हर घर में शौचालय बन जाएगा ये कल्पना कभी लोगों के मन में ही नहीं आती थी। गरीब आदमी को प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा, उसका भी अपना मकान होगा, कोई सोच भी नहीं पाता था। लेकिन मुझे ये कहते हुए गौरव है कि आज गांव में बिजली है, गांव के लिए सड़क है, घर में शौचालय है, रसोई के लिए गैस का सिलेंडर है और पीने का अच्छा पानी मिले इसके लिए हर घर में नल से जल लगाने की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के लिए प्रारंभ की है। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, देश आजाद हुआ 47 में, बहुत सारे विधायक इस क्षेत्र में आए और गए, लेकिन जो विकास की अपेक्षा थी वो न तो इस पट्टी पर हो पाया और न ही चितौरा वाली पट्टी पर हो पाया था। लेकिन आज आप पूरे इस क्षेत्र में देखेंगे तो आपको जगह जगह विकास ही विकास दिखाई देगा। अभी हम लोग बैठे थे तो सुरेंद्र राणा हमारे कार्यकर्ता हैं, वो मुझे कह रहे थे कि बहुत साल बीत गए, तब जब शीतला साय जी यहां सिंधिया जी से चुनाव लड़ रहे थे उस समय आप आए थे और आपने कहा था कि सिंध और रमऊआ का पानी मुरार के ग्रामीण क्षेत्र को मिलेगा। तब हम लोगों को यह भरोसा नहीं हुआ था कि ये पानी कैसे मिल सकता है। नरेंद्र सिंह जी झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन आज हम कह सकते हैं गर्व के साथ कि सिंध रमऊआ का पानी मुरार ग्रामीण के लोगों को मिल रहा है। कौन सोच सकता था टिकटोली तक नहर पहुंच जाएगी, कौन सोच सकता था मोहनपुर बहेड़ और मौत तक की रोड इतनी चौड़ी बन जाएगी, कौन सोच सकता था मुरार से चितौरा वाला मार्ग इतना चौड़ा बन जाएगा, कौन सोच सकता था कि 24 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र को मिल जाएगी। लेकिन आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल आप सब लोगों ने खिलाया तो आज पूरे क्षेत्र में रोशनी ही रोशनी है। एक समय था जब लोग सोचते थे कि बिजली नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है तो मुरार में मकान ले लो, तो लोग मुरार में रहना शुरू किए। शहर में आओ हवा ठीक है तो शहर में चल के रहने लगो तो रहने लगे। लेकिन आज गांव में सब सुविधा होने के कारण, यही नहीं पूरे देश में जिन लोगों के पास गांव में मकान था, जब कोरोना का संकट आया तो लोग शहर छोड़कर गांव के मकान की तरफ मुड़े और आज गांव में रहना शुरू कर दिया। यह हम सब लोगों के लिए एक अच्छा लक्षण है। गांव का देश है भारत, भारत की आत्मा गांव में ही बसती है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं
कि गांव में जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, हो सकता है कुछ लोगों के मकान कच्चे हो, लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं मकान किसी का कच्चा हो या पक्का, लेकिन हमारे रिश्ते सब लोगों से अच्छे हैं। ये हमारे गांव की संस्कृति है, और इसी संस्कृति और परंपरा के कारण भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया तो वो हमको तोड़ नहीं पाए। 250 साल अंग्रेजों ने राज किया तो ये ग्रामीण ताना बाना, ये कृषि की अर्थव्यवस्था, इसको अंग्रेज भी नहीं तोड़ पाए। आज हम बहुत विकसित हैं, दुनिया में हम काफी अग्रणी अवस्था में खड़े, लेकिन इसके बावजूद भी गांव की और कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत के रीढ़ की हड्डी है। जैसे मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व तो है, अगर रीढ़ की हड्डी गड़बड़ हो जाए तो चेहरा कितना भी सुंदर हो मनुष्य किसी काम का नहीं रहता। ऐसे ही भारत के गांव और भारत की कृषि में इतनी ताकत है, जैसे मनुष्य को रीढ़ की हड्डी खड़े रख सकती है, वैसे ही ये दो व्यवस्थाएं पूरे देश को खड़ा रखने में सक्षम है। अभी आपने देखा कोरोना का संकट आया, पूरी दुनिया के कारखाने बंद हो गए थे कि नहीं, बाहर दूर शहर में भी हमारे घर के लड़के अगर काम करने गए थे तो सब लौटे आए थे कि नहीं लौटे आए थे। मुरार में कोई कारखाना चालू नहीं था, किसी का मकान नहीं बन रहा था। देश और दुनिया में जितने भी ऑटोमेटिक कारखाने थे सब बंद हो गए थे, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। लेकिन आप सबने देखा होगा, मुझे ध्यान है 20 फरवरी में कोरोना की आहट हुई, मैं उस दिन बांदा में प्रधानमंत्री जी के साथ था। उस दिन प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि एक संकट की ओर हम जा रहे हैं। फरवरी 20 में कोरोना की आहट हुई और मार्च 20 में लॉकडाउन हो गया, और जब लॉकडाउन हुआ तो किसान की फसल कटाई के लिए तैयार थी। लॉकडाउन हो गया तो मुझे खबर मिली, लोगों ने कहा फसल कटाई के लिए खड़ी है तो इसकी अनुमति लॉकडाउन से इसे छूट देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने उन्हें कहा कटाई के लिए अनुमति मिलनी चाहिए, थ्रेसिंग हो सके इसके लिए अनुमति होनी चाहिए, किसान का माल एफसीआई खरीदे, नेफेड खरीदे, इसकी अनुमति होनी चाहिए, और अगली फसल की बुआई हो इसके लिए जो मशीनों को ठीक ठाक करने की व्यवस्था है उसके लिए मरम्मत की दुकान खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए, किसान को समय पर खाद मिल जाए, बीज मिल जाए, पेस्टिसाइड मिल जाए, इसके लिए खाद बीज की दुकान को भी खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री तो जमीन के आदमी है और उन्होंने इस बात को समझा, गृह मंत्री जी को कहा बैठक करिए, खेती का कोई काम रुकना नहीं चाहिए,
और मैं गर्व के साथ आज कह पा रहा हूं, किसान ने कटाई का काम पूरा किया, सरकार ने खरीद का काम पूरा किया। और लोग कहते थे कटाई तो हो गई, खरीद भी हो गई, लेकिन अगली फसल की बुआई नहीं हो पाएगी, लेकिन अगली गर्मी की फसल की बुआई भी किसान ने शिद्दत के साथ की और पहले वर्ष से ज्यादा करी। कोविड में सारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, अकेला एग्रीकल्चर है जिसने अपने जीडीपी को कायम रखा और सिर्फ कायम ही नहीं रखा, बढ़ाया भी। तो कृषि की अर्थव्यवस्था और गांव की पारंपरिक अर्थव्यवस्था यह भारत की आत्मा है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कृषि को प्राथमिकता पर रखा है। आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हर किसान को 6000 रुपया मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है कि नहीं मिलता। 10000 एफपीओ बनाने का काम प्रारंभ देश में किया गया, और हम सब इस बात को जानते हैं कि गांव में निजी निवेश नहीं होने के कारण वेयर हाउस नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अगर रोरा के व्यक्ति को वेयर हाउस में अपना माल रखना है तो उसे ग्वालियर जाना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेज तलाशना है तो ग्वालियर जाना पड़ेगा। अगर रोरा के रोरा में ही कोल्ड स्टोरेज हो और आप सब्जी की फसल कर रहे हो और आपको अपनी फसल रखना है तो आप उसका उपयोग कर सकते हो। अगर गांव के गांव में ही वेयर हाउस की सुविधा हो और आपको लगे कि अभी हमारे गेहूं सस्ता है, हम तो 2 महीने बाद बेचेंगे, तो वेयर हाउस का उपयोग आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है, जिसमें गांव में एफपीओ, किसानों का समूह, आपकी कॉपरेटिव की पैक्स और अन्य संस्थाएं भी इस फंड का लाभ ले सकती है। किसान महंगी फसलों की ओर जाए, जिससे किसान का महंगी फसलों की ओर जाएगा तो मुनाफा बढ़ेगा। इसके लिए हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, हॉर्टिकल्चर का कार्यालय हर राज्य में एक होता है, लेकिन भारत सिंह हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है और मैं केंद्र में मंत्री हूं। इनने कहा भाई साहब जब आप मंत्री हो तो कम से कम एक कार्यालय ग्वालियर में खुलना चाहिए, तो आज हॉर्टिकल्चर का बोर्ड का एक कार्यालय ग्वालियर में खोल दिया है, आप लोग उसका भी लाभ निश्चित रूप से ले सकते हैं। फिर एरोपोनिक लॉब हो, फिर फ्लोरिकल्चर का पार्क हो, हाईटेक नर्सरी हो। आज हम सब लोग देखते हैं कि हमारे देश में जब पौधों की जरूरत होती है तो प्लांट नहीं मिलता है। इस बार बजट में 2,200 करोड़ रुपया हम लोगों ने प्लांटेशन के लिए रखा है, फिर चाहे ऑयल पाम का प्लांटेशन हो, चाहे आम का प्लांटेशन हो, चाहे वो सेव का प्लांटेशन हो, सबके प्लांट हमारे यहां नर्सरी में बने इसका प्रबंध किया जा रहा है, और एक नर्सरी ग्वालियर में भी खोली जा रही है। इसका लाभ भी निश्चित रूप से आप सब लोगों को मिलेगा। हमारे अंचल में ही मुरैना जिले में नूराबाद है, ज्यादा दूर नहीं है। जो किसान सब्जी पर जाना चाहते, सब्जी एक तौर से कैश क्रॉप है, रोज पैदा हो सकती है, रोज मंडी में बेच सकती है, तो इसके लिए इजराइल
और इंडिया दोनों देशों की टेक्नोलॉजी से संपन्न एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया है। भारत सिंह कुशवाहा डिपार्टमेंट में है, वो बन के तैयार हो गया, हमने उद्घाटन कर दिया है। आप सब लोग भी जाइए और वहां ट्रेनिंग करके आइए और अच्छी सब्जियां पैदा करिए, जिससे कि हम लोग ज्यादा मुनाफा कमा सके। हम लोग खेती करते तो हैं, लेकिन खेती को जितनी विधा से करना चाहिए वो नहीं करते। खेती बह गई बाके बाद फिर पूरे दिन पत्ता खेलने के अलावा कोई काम नहीं रहता। सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है बताओ। लेकिन किसानी 24 घंटे और 365 दिन की आज हो गई है। इतने उपकरण बन गए, इतने अच्छे बीज आ गए, इतने प्रकार बन गए कि 365 दिन खेती का काम हो सकता है। मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली में हमारे यहां के गरीब परिवारों के बहुत सारे मरीज जाते हैं। जब आदमी बीमार हो जाता है तो जाता ही है, फिर ग्वालियर का हो, भिंड का हो, मुरैना का हो, शिवपुर का हो, दतिया का हो, शिवपुरी का हो, कार्यकर्ता के नाते बहुत सारे लोग मुझे जानते और उनको लगता है नरेंद्र सिंह जी मंत्री है तो बड़े अस्पताल में सिफारिश लग जाएगी और अपने मरीज को फायदा हो जाएगा। अब एक मरीज जाता है तो चार आदमी उसके संग जाते हैं। मैं जहां रहता हूं वो सिक्योरिटी की दृष्टि से ऐसा स्थान है कि वहां आसपास दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है। अगर मेरे घर पे कोई पानी नहीं पिलाए तो आपको आसपास पानी पीने को भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने अपने घर पे ये प्रबंध किया कि जो भी अपने क्षेत्र का आदमी आए तो उसको पानी मिल जाए, दो टाइम की चाय मिल जाए और वो अपना पेशेंट को दिखाने के लिए एक दो दिन रुकना चाहता है तो उसको सोने की जगह मिल जाए मेरे घर में और दोनों टाइम रोटी और सब्जी दाल रोटी उसको उपलब्ध हो जाए। तो मेरे यहां ये व्यवस्था मैंने करके रखी है। तो मेरे घर पर जो खाना बनाने वाले लोग हैं वो अपने मुरैना में पहाड़गढ़ है ना, वहां के लड़के हैं जो दिन भर मैं 150-200 लोगों का भोजन रोज बनाते हैं। तो भोजन तो भोजन ही होता है और अच्छा ही बनता है और वहां किसी को रोक टोक भी नहीं है। तो कई बार इधर उधर के लोग भी आ जाते हैं, 12-1 बज गया हम नहीं आए तो इंतजार कर रहे हैं। तो हम भोजन के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती, जो पहुंच जाता है उसको भोजन मिल जाता है। तो मेरा पार्टी के कारण आसपास भी संपर्क है, तो कभी हरियाणा के लोग आ गए, कभी मेरठ के लोग आ गए तो उधर के भी लोग आ जाते हैं, वो भी शुद्ध किसान होते हैं। कोई गन्ने की खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहां संपन्न खेती है। तो मुझे खाना बनाने वाले लोग एक दिन कह रहे थे, वो तीनों चारों लड़के, कि भाई साहब जे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो किसान आते हैं आपसे मिलने, कभी कभी खाना खाने आ जाते हैं तो ऐसे लंबे चौड़े गोरे भूरे और चटक कपड़े पहन के आते हैं, अलग ही दिखते हैं, लेकिन अपना किसान जो आता है वो बुझो बुझो दिखा दे। तो संपन्नता के कारण उनके चेहरे ज्यादा खुश हैं, ज्यादा चिकने हैं, ज्यादा गोरे हैं, ज्यादा तगड़े हैं। अगर हम भी उस तर्ज पर अपनी खेती करें तो हम लोग भी उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ने इतनी योजनाएं प्रारंभ कर रखी हैं कि अगर हम उनका लाभ लेना चाहें तो
तो उनका लाभ लेकर अपनी खेती को और संपन्न और मुनाफे की खेती बना सकते हैं। आज हम लोग की चिंता है कि अगर अगली पीढ़ी खेती में नहीं आई तो क्या होगा। आज देश में 140 करोड़ हमारी आबादी हो गई। पहले चीन हमसे आगे था, लेकिन अब दुनिया के आबादी में नंबर वन हिंदुस्तान बन गया है। आज खाद्यान्न की उपलब्धता पर्याप्त है, सब्जी की उपलब्धता पर्याप्त है, दूध की उपलब्धता पर्याप्त है, लेकिन 2050 में ये आबादी और बढ़ेगी। और साथ ही साथ मानव जनित विकृतियों के कारण आज आप देख रहे हो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जब घाम की जरूरत है तो घाम नहीं मिल रही, जब बरसात की जरूरत है तो बरसात नहीं मिल रही, बेमौसम ओले पड़ जाते हैं, किसान का नुकसान हो जाता है। जैसे मौसम परिवर्तन होएगा और ये गर्मी बढ़ेगी तो पैसे वाला आदमी तो एसी में रह के गुजर कर लेगा, लेकिन किसान तो एसी में खेती नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा नुकसान किसान को ही जाएगा। इसलिए जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटना और 2050 तक जो आबादी बढ़ेगी उसको भोजन उपलब्ध कराना, और पहले हम दुनिया में मांगने वाले देश के रूप में गिने जाते थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने देश को यहां पहुंचा दिया है कि आज दुनिया हमसे मांगती है और हम दुनिया को देने वाले देश बन गए। तो हमको अपना घर भी देखना है और दुनिया की जो आवश्यकता है, अपेक्षा है हिंदुस्तान से, उसकी भरपाई भी हमको करना है। मैं कई बार बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, व्यापारियों की कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, उद्योगपतियों की कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, तो मैं हमेशा ये कहता हूं पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है, लेकिन अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो जेब में पैसा तो होगा लेकिन खरीदने के लिए गेहूं और सब्जी नहीं होगी। और मैं साथ ही साथ ये भी कहता हूं कि जिस प्रकार से सीमा पर मिलिट्री का आदमी पहरा देता है, अपनी जान को जोखिम में डालता है, माइनस डिग्री टेम्परेचर में ड्यूटी करता है, इसलिए कि हम रोरा बस्तरी में चैन की नींद सो पाए। और जब सीमा पर संकट आता है तो वो अपने घर की परवाह नहीं करता, बिरादरी की परवाह नहीं करता, बच्चों की और पत्नी की परवाह नहीं करता, माता पिता की परवाह नहीं करता। उसके मन में एक ही बात होती है कि अगर दुश्मन की तरफ से गोली आई है तो मैं या तो उसको गोली से मार दूं या फिर मैं स्वयं शहीद हो जाऊं। नौकरियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मिलिट्री में जा रहे हैं, बीएसएफ पे जा रहे हैं और हमारी रखवाली के लिए जा रहे हैं, जान हथेली पर रखकर जा रहे हैं, उनका निश्चित रूप से अभिनंदन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार से किसान की भूमिका है। किसान आज खेती कर रहा है तो यह सही है कि उस खेती से वो भी खा रहा है, लेकिन किसान जो खेती कर रहा है वह 140 करोड़ के देश को के पेट को भोजन देने के लिए खेती कर रहा है। इसलिए किसान का भी अभिनंदन होना चाहिए और किसानी का भी अभिनंदन होना चाहिए। नए लड़के खेती में आए, इसके लिए टेक्नोलॉजी खेती में बहुत जरूरी है। हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, जाट समाज से हैं, मुझे मालूम पड़ा कि वो मध्य प्रदेश में 500 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे हैं।
तो मेरे मन में ऐसा लगा, मैंने कहा मतलब हरियाणा में तो इतनी अच्छी खेती है, सब कुछ है, दलाल साहब मध्य प्रदेश में खेती क्यों कर रहे हैं और खेती कैसे कर रहे हैं? हम तो मध्य प्रदेश में रह के अपनी गली 50 बीघा खेती नहीं कर पा रहे, और ये भाई जो है हरियाणा से चल के और मध्य प्रदेश में खेती कर रहे हैं। तो मैं उनको एक बार मिला, मैंने उनसे पूछा, लोग ऐसा बोलते हैं कि आप मध्य प्रदेश में खेती कर रहे हो, तो उन्होंने कहा हाँ भाई साहब ये बात सही है कि हम मध्य प्रदेश में खेती कर रहे हैं और 500 बीघा में कर रहे हैं। तो मैंने कहा कौन देखता है? उन्होंने कहा कि मैंने पूरा खेती को टेक्नोलॉजी पर डाल रखा है, मतलब मैं अपनी खेती को हरियाणा में बैठकर 500 बीघा के खेत को देखता हूं और मैं यहीं से कमांड देता हूं कि अब बुआई कर दो, अब पानी दे दो, अब पेस्टिसाइड छिड़क दो, और सारी चीजें माइक्रो इरिगेशन पर ले रखी है, पंप में एक जगह बटन दबाते हैं और मैं टेक्नोलॉजी से चाहूं तो वो बटन मैं हरियाणा से भी दबा सकता हूं। मतलब टेक्नोलॉजी यहां तक पहुंच गई। आप सोचो दूसरे जगह से आके लोग खेती कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का प्रवेश खेती में हो इसके लिए पर्याप्त योजनाएं भारत सरकार ने संचालित की हैं। और मैं आप सब लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं, पढ़े लिखे बच्चों को ट्रेनिंग कराओ। मैं भारत सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको ये कहना भी चाहता हूं कि किसाने की दृष्टि से भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपने क्षेत्र में गरीबी देखी, पिछड़ापन देखा, तो उन्होंने अपने प्रयत्न से व्यवस्था की, गरीब परिवार का जो बच्चा पैसे देकर कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे 4000 बच्चे मुरार ग्रामीण क्षेत्र के जिनको कंप्यूटर की शिक्षा दिलाने का काम फ्री में भारत सिंह कुशवाहा ने किया। ऐसे ही एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी के लिए भी हम लोगों को योजना बनाकर काम करना चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र की खेती उन्नत खेती में तब्दील हो। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, और किसान की जेब में पैसा होगा तो भारत की आर्थिक ताकत बढ़ेगी। आज हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। हम लोग बचपन में सुना करते थे, लोग कहते थे भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश हुआ करता था। बाद में एक समय ऐसा आया कि हम गेहूं मांगने वाले देश बन गए, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि अभी आजादी के 75 साल हुए, 2047 में आजादी के 100 साल होंगे, और ये जो 25 साल का कालखंड है ये अमृत काल है। इसमें जो खेती कर रहा है वो खेती करके योगदान दे, जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी करके अपना योगदान करे, जो जहां बैठा है वो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए अगर योगदान देगा तो 2047 में भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश बनेगा। ये बात हर भारतवासी को समझना चाहिए, और इस पर जहां बैठे हुए वहां हमें काम करना चाहिए। आने वाले कल में हमारे देश की ताकत बढ़े, भारत माता परम वैभव के शिखर पर पहुंचे, ये सपना हमारे पूर्वजों का था। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, खेत में खेती करके आजादी नहीं मिली, किसी ने इंडस्ट्री चलाई उससे आजादी नहीं मिली। हमारे पूर्वज चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे अश्फाक उल्ला खां हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे दुर्गा भाभी हो, चाहे रानी झांसी वाली हो, इन सब लोगों ने अपने प्राणों को
आजादी की बलिदानी पर कुर्बान कर दिया तब हमारा देश आजाद हुआ। ये आजादी हमारे लिए अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और अगर आज हम आजाद हैं तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को एक कदम तो बढ़ाना ही होगा। भारत में 140 करोड़ लोग निवास करते हैं, अगर एक व्यक्ति एक कदम बढ़ाएगा तो भारत 140 कदम आगे बढ़ेगा, और एक व्यक्ति दो कदम बढ़ाएगा तो भारत 280 कदम आगे बढ़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति के कदम को आगे बढ़ाने की समय की जरूरत है। समय की नजाकत हम सब लोगों को पहचानना चाहिए। आज सड़क के भूमि पूजन का सवाल है, बहुप्रतीक्षित सड़क आज बनने की शुरुआत हो रही है। सड़क का स्थान भी ठीक वैसा ही है जैसा मनुष्य के शरीर में नसों का। मनुष्य के शरीर की अगर कोई नस कट जाए और खून नहीं रुके तो कोई भी दवाई मनुष्य को जीवित नहीं रख सकती। जो हमारी धमनियां है, नसें हैं, जिनमें रक्त बह रहा है, यही रक्त हमको जीवन दान देता है। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो समाज के विकास में, देश के विकास में सड़कों का महत्व है। हम सबके क्षेत्र में पशुपालन का भी काम होता है। मैं देखता था बचपन में हमारे दूधिया सवेरे साइकिल पर दूध लेकर जाते थे। हर एक आदमी नहीं जा पाता था अपना दूध पुरार में बेचने के लिए, तो किसान से औने पौने में खरीदा जाता था। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि रोरा में सोने की खदान है और सोना आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन सोना खोद के ले जाने के लिए रास्ता नहीं है। अगर रास्ता नहीं है तो वो सोना आपके लिए माटी के मोल के बराबर ही है। जब खुदाई होगी, रास्ता होगा तो बाजार में जाएगा तो उसकी कीमत आपको मिलेगी। ऐसे ही समाज के विकास में सड़क का महत्व है। हम सब धन्यवाद देना चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने हिंदुस्तान के दुख को समझा और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई और देश के 6 लाख गांव को डांबरीकृत सड़क से जोड़कर गांव के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया। आज उसी योजना के अंतर्गत फिर एक सड़क आपके क्षेत्र में बन रही है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।